पंजाब में नौजवानों की तरफ से विदेश जाने की होड़ लगी हुई है और इसी के चलते ही इन भोले भाले नौजवानों को कई लोग अपनी ठगी का शिकार बना लेते हैं। ताज़ा मामला है अमृतसर का, जहां आज एक सरबजीत सिंह सेमी नामक ट्रैवल एजेंट की तरफ से कुछ लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी मारी गई और वह ठगी मारकर फरार हो गया। पीड़ित नौजवानों की तरफ से ठग ट्रैवल एजेंट के घर के बाहर तंबू लगाकर पक्का धरना लगा दिया गया है। नौजवानों का कहना है कि वह पंजाब के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और वह इस ट्रैवल एजेंट की ठगी का शिकार हुए हैं, जहां नौजवानों की कुल रकम करोड़ों में बनती है और ना तो ट्रैवल एजेंट ने उन लोगों को वीज़ा लगा कर दिया है और ना ही उनके पैसे वापस किए हैं, जिसके बाद मजबूरन उनकी तरफ से उक्त ट्रैवल एजेंट के घर के बाहर पक्का धरना लगा दिया गया है। उनका कहना है कि या तो वह पैसे लेकर जाएंगे यहाँ से वह मर कर जाएंगे। नौजवानों ने आगे बताया कि उन्होंने संबंधित पुलिस दरखास्त भी दी हुई है, लेकिन उक्त ट्रैवल एजेंट पुलिस की निगाहों में भी भगौड़ा है और पुलिस भी ट्रैवल एजेंट की खोज में लगी हुई है। दूसरी तरफ गांव के सरपंच ने उक्त ट्रैवल एजेंट के परिवार के साथ भी बातचीत करके नौजवानों को विश्वास दिलाया है कि सोमवार तक उनके पैसे दिला दिए जाएंगे, लेकिन नौजवानों का कहना है कि जितनी देर तक पैसे नहीं मिलते उतनी देर तक वह ट्रैवल एजेंट के घर के बाहर यूं ही धरना लगाकर बैठे रहेंगे। अमृतसर से गुरदयाल सिंह की रिपोर्ट। विक्रमजीत सिंह, तरनतारण रोड अमृतसर दा। आज इत्थे बैठे हो प्रोटेस्ट ते की कारण की इत्थे प्रोटेस्ट दा? एक ठग सरबजीत सिंह एजेंट सी, उन्ने मैनू वर्क परमिट दे लई मेरे को 8 लाख रुपए लेके ते उस तो बाद ना ते बाहर भेजिया ते ना ही पैसे मोड़े। उस तो बाद एक गड्डी जो कहिंदा सी कि मेरी आ ते लै जा, मैं पैसे जदों दवांगा लै जूंगा, वह भी चोरी दी निकलाई। तो उस तो बाद कुछ भी नहीं जी, हुण चैक हैगे वो पै जी। तो कभी घर दे कहिंदा मेरे माँ प्यो देणगे, माँ प्यो को आए, माँ प्यो कहिंदे असी बेदखल किया, तो हुण तां करके मजबूरन सानूं इत्थे बहना पिया जी। इंक्वायरी थाना छियाटा लाई है जी, उत्थे मैं गया सी, उह कहिंदे मैं इंक्वायरी करन डया जी, हुण देखो अग्गे चैक भी लाए हुए आ जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असीं इत्थे नहीं ते खुदकुशी करांगे जे ना साडे पैसे मुड़नगे जी, इत्थे ही असीं बवांगे जिन्ना चिर तक साडे पैसे नहीं देंदा जी। हाँ जी, मेहरबानी। पुलिस दा ही नहीं, इंक्वायरी चल रही है जी बस, होर कुछ भी नहीं। पुलिस ने कहा जी फरार आ जी, लभ रहे हैं, इहो कही जांदे जी जदों जाईदा। असीं यही उन्हां दा राह रोकिया जी, बाकी वेखो उह कही जांदे बेदखल बेदखल आ जी, वो आखी जाना मेरे माँ प्यो घर बैठे हो, तुहानू भावें जिद्दां मर्जी देणगे, ये करनगे वो करनगे जी, आप फरार आ जी। हुण समझ नहीं लगदी कुछ भी ना जी, ना कदी कदी आ मैसेज मूसेज माड़ा मोटा कर दूगा, झूठे लारे लूरे लादा, और गलबात कोई नहीं कदी होई जी साडी। हरभजन सिंह साहब जी, कित्थे दे रहण वाले? नूरपुर दा रहण वाले। तुहाडे किन्ने क पैसे आ जिहड़े तुसीं इहदे कोल लैणे आ, और की नाम आ? भाजी मेरा 18 लाख रुपया जी। कित्थे दा वीजा लाण दी गल कीती गई सी? भाजी इहनां कैनेडा दा क्या है? हाँ जी कनेडा का क्या ही, तो बाद चो मुड़ के जो इन्हें नकली वीजे दिए, सारा कुछ एरा वगैरह दिता वा, तो बाद च इन्हें सू गड्डिया गहने पातियां, वो भी गड्डिया सूँ पता लगा भी रेंट से लिया, उन्होंने GPS लगे, अगले आ अपन गड्डिया लैके अं, क्योंकि परचे तो डरते हैं भी कोई साढ़े तो उल्ट कार्रवाई ना हो, अं आप छड़ गए उत्थे जा गड्डिया उन्हों दियाँ, जो सूँ पता लगा जो उन्होंने के पहली गड्डी साड़ी चुकी है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आ 3-4 वीर तो होर भी नाल ने, वो भी सूँ इतने ऐ पता लगा सारियां। 18 लाख रुपया भाजी मेरा वा, 7-8 लाख रुपया वह भाजी आखेंगे उन्हों का वा, बाकी इन्ना भाजी होना दे, 5 लाख रुपया इन्ना भाजी होना वा, वह वीर का भी आ, एक इन्ह वीर भी आ, बाकी होर भी इतने बड़े जने हो गए गए ने, जिन्हें कोई दसदा मेरा 44 लाख आ, कोई आंदा मेरा 60 लाख आ, कोई आंदा मेरा 25 लाख आ, यानी कि जिन्हें सानू इतने सवेर मिले जदों अं बैठे कोई मेरे हिसाब से 5-6 करोड़ रुपया होना। ਬੈਠਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ
ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀਆਂ,
ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਹੁਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਂਢੂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ਟੋਟਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿਆ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਟੋਟਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਦੁੱਖ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ ਦੁਖੀ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਆ ਸੋਮਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਿਬੜੂਗਾ ਉਹ ਨਿਬੜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇ ਦੁੱਖਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੈਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ